बढ़ता जा रहा है आज, ऐसा क्या हो गया कि खुद को चोट पहुंचा रही हैं वो? जारून ने बोल दिया कि मैं और सल्तनत एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज, और ऑब्वियसली ये सुनेगी तो पागल तो है और पागल हो जाएगी, तो बस कुछ तो हो जाता है उसमें, तो बस कोड़े से अपने आप को मार रही है, रो रही है, गुस्सा कर रही है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। अच्छा, दादी आ गई है तो डर इस बात का था कि दादी पकड़ लेंगी, लेकिन वो कायनात को एक सलाह दे रही है कि किस तरह से अपने गुस्से को कहीं और मोड़े और किस तरह से जारून और सल्तनत से बदला ले। बेसिकली यहाँ पर ये बताया है कि दादी को कायनात की सच्चाई मालूम चल गई है, मीनिंग कि ये सारा जो सबको फैमिली को बताना, ये वही अफवाह जो सब कायनात ने किया, बस तो ये भी उसके लिए एक शौक था। पर दादी कहती है एहसान रहा कि मैं तुम्हारी बात किसी को बताऊंगी नहीं, सो अगेन दैट्स अ गुड थिंग। बट फिर बस थोड़ी सी सलाह दे के जाती है कि गुस्से वुस्से पे ना काबू रखो, और अगली बार कोई खबर लेकर आओ तो ऐसे अफवाह मत लाना, सच्ची खबर लाना। अच्छा, तो जानना चाहेंगे कि दादी मतलब कायनात के साथ हैं या आगे जाके कायनात को ही फंसाने वाली हैं? वो तो मुझे ऐसा लगता है वो कायनात के साथ नहीं हो सकती, और कायनात एनी विच वेज वो किसी को अपने साथ रखेगी नहीं, तो वैसे कायनात किसी की सगी नहीं है, तो वो दादी की क्या सगी होगी।